भिवंडी स्थित वाड़ाला देवी तालाब आयुक्त बंगले के पास मानसरोवर में दिनांक 9 नवंबर से 17 नवंबर तक श्री श्री 1008 दिलीप शरण जी महाराज उर्फ तांत्रिक बाबा द्वारा होने वाली श्री श्री 1008 श्री रुद्र चंडी ज्ञानदीप महायज्ञ को लेकर आज दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को ओम श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा मान्यवरों के उपस्थिति में व मान्यवरों के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण व भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भिवंडी पश्चिम आमदार महेश चौगुले, भाजपा भिवंडी शहर जिला उपाध्यक्ष व माजी सभागृह नेता सुमित पाटिल, माजी नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल, आरपीआई भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, मदन बुआ नाइक, समाज सेवक विठोबा नाइक उर्फ बिल्ला सेठ, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह ठाकुर, प्रसाद पाटिल सहित भारी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे। सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान ओम श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ समिति अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष राजेश हिंदुस्तानी, अनिल सिंह, संजय दुबे, मिथिलेश ठाकुर, प्रेम तिवारी, विनोद मौर्या तथा ओम श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ समिति के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा शाल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए श्री श्री 1008 दिलीप शरण जी महाराज उर्फ तांत्रिक बाबा व ओम श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ समिति अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर ने बताया कि सबके अंदर ताकत ऊर्जा भरे ऐसा व्रत कामना है। ऐसे दिवस स्थान पर हो रहा है हमारे पुत्र महेश चौधरी जी जो यहाँ के आमदार हैं और यहाँ पे इतना बड़ा सहयोग बना है। आप लोग आज हनुमान जी को अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जो सबके अंदर ऊर्जा भरते हैं ताकत भरते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलिए गुरुदेव महाराज की। श्री राम कथा ज्ञान दीप यज्ञ के सभी शिष्यों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे यहां जैसे यहां उपस्थित जो हमारे बिल्ला बनाई जी हैं उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं और टीम जो आपकी आई हुई है न्यूज़ चैनल के सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो आकर के यहां इन लोगों ने हम लोगों के प्रसारण करने के लिए हम लोगों को जो दे रहे हैं जिसके लिए मैं उनका बहुत सौभाग्यशाली हूँ उनका और उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये हम आज 15 तारीख को इसका भूमि पूजन किया गया है और ये मैं भिवंडी वासियों के बोलना चाहता हूँ कि आप जितने ज़्यादा जनसंख्या में हो सके यहाँ पे आएँ और इसको देखें क्योंकि हमारे यहाँ जो रामलीला यहाँ के बच्चों से पूछो आप कि श्री राम दशरथ के कितने पुत्र थे वो नहीं बता पाते, श्री रामचंद्र जी कितने भाई थे वो नहीं बता पाते। तो हमारे गुरु जी ने यहाँ पे एक चीज़ और राम कथा के बाद एक रामलीला बहुत जो आयोजन किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर तो उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि दशरथ के कितने पुत्र थे, श्री रामचंद्र जी कितने भाई थे, जो ये हमारे समाज से धीरे धीरे हटता जा रहा है जो कि ये हमारा धर्म है, ये धर्म से हम लोग हटते जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को ये सब नहीं जानकारी, ये जानकारी देने के लिए भव्य रामलीला का यहाँ हम लोग आयोजन किए हुए हैं और ये जो यज्ञ किया जा रहा है यज्ञ यहाँ पे सुख और शांति के लिए किया जा रहा है। पूरे भिवंडी वासी इन्हें पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को शांति के लिए किया जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र की धरती पर पहला ऐसा यज्ञ होने जा रहा है। बस ये दो सब बोल करके हम निभाने और 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक ये प्रोग्राम नवम्बर को किया जाएगा। टाइमिंग सुबह से ही समझो चालू रहेगा, ये ग्राम कथा होगा 2 बजे से 5 बजे तक और इसके बाद रामलीला होगा और यज्ञ का हवन का काम तो पूरा दिन चलता रहेगा। आना चाहता हूँ आज 15 अक्टूबर 2022 इस मानसरोवर के पवित्र धरती दिव्य भूमि पूजन व ध्वजारोहण का कार्यक्रम सभी सम्मानित प्रमुख अतिथियों के
उपस्थिति में हमारे श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति के सभी सम्मानित सदस्यों के कुशल प्रयास से बड़ी ही उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसके लिए हम अपने कार्यक्रम में आए हुए समस्त जनों का आभार प्रकट करते हुए आशीर्वाद देता हूं और सबके कुशल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज हम लोगों ने अनंत बलवंत हनुमान लाल जी महाराज बजरंग बली जी को इस स्थान पर विराजित किए, पृथ्वी माता को प्रणाम किए। आगामी 9 नवंबर 2022 से रुद्रचंडी ज्ञान महायज्ञ का जो हम लोगों ने आयोजन किया है, इसके निमित्त आज से हम लोगों ने आध्यात्मिक आगाज जो है इस महाराष्ट्र के लिए दिया है सभी लोगों के सादर उपस्थिति में। और बताना चाहता हूँ कि आगामी जो कार्यक्रम महायज्ञ का होने वाला है, ये प्रदेश का बहुत ही महाअनोखा महायज्ञ है। महाराष्ट्र की धरती पे पहली बार इस तरह के दिव्य आयोजन हुआ है। वैसे तो मेरा ये दूसरा कार्यक्रम है भिवंडी शहर में, चूँकि मैं 2019 में भी एक कार्यक्रम श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ किया था, लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है श्री रुद्रचंडी ज्ञान दीप महायज्ञ, ये महाराष्ट्र में पहली बार किया जा रहा है और खासकर भिवंडी शहर का ये कौतूहल महायज्ञ है। इस महायज्ञ का परम उद्देश्य है आम जनमानस के अंदर सामूहिक समरसता का बल प्रदान हो, मनुष्यों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार उत्पन्न हो, वातावरण स्वच्छ हो और हमारे नई पीढ़ी खासकर युवा वर्गों में आध्यात्मिक चेतना का एक विशेष संदेश जावे। इसके निमित्त हमने इस विशाल महायोजन को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में इस महायज्ञ के अंतर्गत विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, जो कोलकाता और बिहार से कुशल कारीगरों के द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ हो चुका है। और इस महायज्ञ में विश्व विख्यात रामलीला के मंचन का भी कार्यक्रम रखा गया है और YouTube चैनल व तमाम TV चैनलों के प्रख्यात विद्वान बाल भरत दास जी के सुमुखुदुर स्वर के माध्यम से श्री राम कथा ज्ञान का भी प्रसारण किया जाएगा। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से अनंत मूर्धन्य विद्वानों को भी इस भिवंडी शहर मानसरोवर उड़ावल देवी तालाब के समीप बुलाया जा रहा है। अतएव पूरे महाराष्ट्र वासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, ये चेतना देना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विशाल महायज्ञ में ऐसे पुनित्य कार्य में सपरिवार उपस्थित होवें और अपनी संपूर्ण सहभागिता दर्शाकर अपने जीवन को कृतज्ञ करें व पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः सभी आम जनमानस को आशीर्वाद देते हुए अपने इस कार्यक्रम के इस महायज्ञ के सभी कुशल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए इस यज्ञ के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मनोज सिंह ठाकुर जी जो हमारे समीप है, इनको मैं बहुत दिल से बधाई देता हूं कि अपनी ऊर्जा से इसी भांति इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। खास करके मनोज सिंह ठाकुर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यज्ञ और ये रामलीला का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका बड़ा श्रेय जो मनोज सिंह ठाकुर को जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनके सहयोगी उनको साथ भी मिलना चाहिए, तभी ऐसे बड़े प्रोग्राम होते। ताकि अपन देखे कोई भी प्रोग्राम करते थे, उसी लिए सभी सदस्यों का मतलब हाथ बार लगना जरूरी है, एक से नहीं होता। और इसके साथ ही मनोज सिंह ठाकुर के साथ में हम सब मानसरोवर वासी है और मानसरोवर मित्रों मिल के हम लोग खड़े और इस मान यज्ञ और रामलीला का जो कार्यक्रम 9 तारीख से चालू होगा, उसके लिए पूरी हम लोग मेहनत से और सभी लोगों के आने वाले सभी भक्तों का कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना मांगता कि उसको कोई सुविधा नहीं होनी मांगती, तो सभी को इसका लाभ उठाना जरूरी है। और सभी हम लोग इस माँ यज्ञ में और रामलीला में शामिल रहेंगे, खास करके मानसरोवर मित्र मंडल, मनोज सिंह ठाकुर, अनिल सिंह और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उनसे हर एक प्रोग्राम में जुड़ा रहूँगा, लास्ट तक ये प्रोग्राम सक्सेस करके हम लोग दिखाएंगे, ताकि बहुत ही बड़ा फंक्शन प्रोग्राम ये एक है। आज तक कभी अपने भिवंडी के अंदर ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं यज्ञ का और रामलीला, तो इस टाइम पे हम लोग ने ऐसा ठानी है कि लोगों को अच्छे से अच्छा हम लोग एक प्रोग्राम करके दिखाएंगे।
और इस प्रोग्राम में सभी लोगों ने लाभ उठाना मांगता है। Come on.